reasons why I love to live and work in UK. This is what we are covering in this video. Purpose simple sa tha, I wanted to share as well. And then kisi ke paas agar offers hain multiple, and then why UK is an attractive option. Yeah, koi bahar jana soch raha hai, UAE wagera, and then they can think of UK as well. Like it's a good option. Of course, everybody knows UK is a good option, but you know the factors behind that. Kya kya hai? Uske baare mein baat karunga main is video ke andar. तो 12 फैक्टर्स हैं मेरे पास. वैसे तो बहुत सारे हैं. यू कैन ऑफ कोर्स गूगल, हर कोई पूछ सकता है लोगों से, बट आई बी कवरिंग 12 ऑफ देम. नंबर वन इज लोकेशन. बेसिकली द प्लेस, द क्लाइमेट इटसेल्फ, इट्स अमेजिंग. गर्मी 2-3 महीने होती है साल के अंदर, वो भी इतनी नहीं होती है अपने जितनी 25-26 ज़्यादा है. दैट्स वॉट आई लाइक. बाकी सर्दियाँ होती हैं, कोल्ड वेदर इज़ ऑलवेज गुड. इवन आप नारायण का गान या बाकी में कश्मीर चले जाओ, यू लाइक दैट वेदर. ठंडी वेदर सबको पसंद आती है. दैट्स वॉट हेयर इट इज़. अच्छा मौसम है, एवरीबडी लाइक्स दैट. उसकी वजह से आप यू नो यू आर ऑलवेज हैप्पी बेसिकली. तो नंबर वन पॉइंट इज जस्ट जस्ट अबाउट द प्लेस इटसेल्फ. अमेजिंग ओल्ड प्लेस, वंडरफुल प्लेस. जो सेकंड चीज़ है ना, बड़ी अट्रैक्ट करती है, और काफ़ी कंट्रीज में भी है कि भाई गवर्नमेंट प्लेस हेल्थ केयर है फुली. US में देखो तो वहाँ पे प्राइवेट इंश्योरेंस होती है बेसिकली. कंपनीज देती हैं ऑफकोर्स, बट इंश्योरेंस. बट यहाँ पे जो है NHS, नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है उनकी, उनका एक सेटअप है पूरा सा कंट्री के अंदर. एंड यू हेल्थ केयर इज कम्प्लीटली फंडेड बाय दैट. कुछ एक्सेप्शन होती हैं ऑफकोर्स, डेंटल नहीं होता आपका, एंड आई थिंक आई का भी नहीं है. और मोस्टली दे कवर मोस्ट ऑफ यूर हेल्थ एक्सपेंसिस. थोड़ा सा मसला है ऑफकोर्स, गवर्नमेंट बेस्ड है, थोड़े से इशूज़ हैं, लाइक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती जल्दी. बट इन एनी केस इट्स वेरी गुड. गवर्नमेंट बेस्ड हेल्थ केयर है, एंड यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑन एनुअल बेसिस कुछ अमाउंट, बट द हेल्थ केयर इज़ फ्री. जो तीसरा चीज़ है ना, वो बेसिकली वर्क कल्चर के हिसाब से, एंड दैट्स वन ऑफ द अमेजिंग थिंग्स आई पर्सनली फील. पाकिस्तान में काम किया है मैंने, मैंने दुबई में काम किया है, एंड द डिफरेंस हेयर एंड द थिंग्स ओवर देयर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है पूरा बेसिकली. हेयर आपका एक बाउंड्रीज है, भाई ये मेरा काम है, ये मेरी ज़िंदगी है. वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं होती, वहाँ के आपकी ज़िंदगी आपके एम्प्लॉयर्स की होती है. वो आपसे कभी भी काम करवा सकते हैं वीकेंड्स को, ये वो. यहाँ पे ये नहीं है. पीपल अप्रिशिएट कि यार आप टाइम ऑफ करो, आप छुट्टियाँ लो, आप घूमने जाओ, पीपल वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट. ऐसा नहीं है कि नहीं है. तो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट एज अगेंस्ट जो हमारे पास वहाँ पे है. तो इट्स रियली मोटिवेटिंग अगर कोई यहाँ पे आता है. दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो मुझे यहाँ पे टिकाए बैठा है कि भाई यहाँ पे काम में मज़ा आता है, वहाँ पे काम में मज़ा नहीं आता था. जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो है रिस्पेक्ट बेसिकली. अब देखो रिस्पेक्ट तो वहाँ पे भी मिलती है, बट ऐसा नहीं कि ये कोई खास है. बट इफ़ यू सी द ब्रिटिश पीपल एंड इफ यू रिसर्च अबाउट दैम एज वेल, लॉट्स ऑफ रिसर्चर आउट देयर कि भाई ब्रिटिश पीपल आर प्रॉब्ली मोस्ट पोलाइट. हर छोटी छोटी चीज़ में सॉरी भी बोलते हैं. लेट्स नॉट गो ओवर देयर. आई थिंक दैट दैट्स रॉन्ग. बट दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल. आपको इज्जत बहुत मिलती है इन वर्क कल्चर. एवरीबडी अप्रिशिएट्स वॉट यू डू. आपको एक इज्जत मिलती है. यू यू एक सेंस आ जाता है, उस यू नो माइंड सेट आ जाता है आपके अंदर भी अगर आप यहाँ पे रहते हो. वो चाहिए रियली लाइक के यार हाउ पीपल टॉक विथ ईच अदर हेयर एज अगेंस्ट वॉट वी डू इन पाकिस्तान, वॉट वी डू इन UAE. बहुत फ़र्क है उसमें, रिस्पेक्ट एलिमेंट में, एंड आई लाइक इट हेयर. तो फिफ्थ पॉइंट है ना, वो है रिकोगशन के हवाले से. देखो रिकोगशन कहीं भी मिल सकती है इफ़ यू वर्क वेरी हार्ड. बट फेवरेटिज्म कितना होता है कहाँ पे, मैं ये पॉइंट स्पेसिफिकली ऑफिस की तरफ से मैं लेके जा रहा हूँ, लाइक वर्क कल्चर के हिसाब से. हेयर आई कैन फील ऑफकोर्स बायस हर जगह होती है, UK हो, UAE हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, बायस हमेशा रहेगी एक हद तक. बट मोस्टली आई हैव सीन कि भाई यहाँ पे डिसीशंस जो होते हैं ऑफिस वगैरह बेस में, जो आपकी रिकग्निशन होती है, द पीपल प्रेज यू अगर आप कुछ काम करते हो. ऐसा नहीं कोई आपका क्रेडिट चोरी कर रहा है, यू नो ऐसा नहीं कि फर्म में सिर्फ वर्क कल्चर की बात है. लोग कैसे बिहेव करते हैं यहाँ पे, दे अप्रिशिएट वॉट यू डू, दे कैन रिकोगनाइज यू, दे इनक्रेज यू. तो ये बड़ा अच्छा एलिमेंट है यहाँ पे वर्क लाइफ, ऑफिस लाइफ में, जो कि हमारे पास मिसिंग है. हमारे पास कुछ कर लो अच्छा सा, आपका बॉस क्रेडिट ले लेगा आगे कि भाई ये मैंने किया था. तो इट्स वेरी डिफरेंट ओवर देयर, यहाँ पे बहुत डिफरेंट है. सिक्स पॉइंट भी ऑफिस से ही लिंक्ड है बेसिकली, बिकॉज द थीम वॉज वाई आई लव लिविंग एंड वर्किंग हेयर. तो दोनों चीज़ें कवर कर रहा हूँ. छठा पॉइंट जो है ना, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ. अब पर्सनल ग्रोथ इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट बैक देयर, एटलीस्ट नॉट विजिबल. ठीक है, जो कंपनी सपोर्ट यू कुछ हद तक, भाई चलो ये कर लो वो कर लो, हम आपको छुट्टियाँ भी दे देंगे थोड़ी सी, बट हाउ दे इनक्रेज यू इज़ नॉट देयर. यहाँ पे पीपल आर इनक्रेज कि भाई आप चलो ये आपको सीखना है, यू कैन लर्न दैट, वी विल सपोर्ट यू. लोग बैठ के आपसे डिस्कशन करते हैं आपकी करियर की, भाई मैं आप कैसे आगे बढ़ोगे अपने करियर में. आई नो आई हैव डन लॉट ऑफ डिस्कशन विद लॉट ऑफ पीपल. लोग मुझसे पूछने आते हैं
फर्म के अंदर ही कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, हाउ आई डू दैट। हम अपने टाइम में से टाइम निकालते हैं, लोग अपने टाइम में से टाइम निकालते हैं कि भाई इसको चाहिए ये। फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, फर्म इंकरेजेस दैट। सारी कंपनीज यहाँ पे हैं, वर्क कल्चर ही ऐसा है कि भाई इफ यू आर नॉट ग्रोइंग पर्सनली देन यू आर नॉट ग्रोइंग एट ऑल। तो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट्स व्हाई आई लाइक वर्किंग हियर। नंबर सेवन इज बेसिकली द चैलेंजेस ऑफ द जॉब। आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लंदन ऑफिस की बात करें स्पेशली, एंड यूके ब्रॉडली भी, जो काम, जो टेक्निकल काम आता है, जो चैलेंजिंग काम आता है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिसेज आउट देयर। न्यूयॉर्क की ऑफिस बड़ी होगी ऑफ कोर्स, बट लंदन की ऑफिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिसेज आउट देयर, यू नो, फर्म में भी एंड देन इंडस्ट्री वाइज भी। इट्स फाइनेंशियल हब, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स भी हैं। तो द थिंग्स वी सी हियर अनमेस्ट, ऐसी चीज़ें दुनिया में नहीं दिखेंगी ज़्यादातर जगहों पे। द ट्रांजेक्शन्स वी डू, द टेक्निकल स्टफ वी डू, जो चीज़ें हैं वो सब हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, एंड दैट्स यू नो बट वेरी इंकरेजिंग। पाकिस्तान में कर लो वही चीज़ करोगे, या तुम वही वाउचिंग कर रहे हो, तुम वही टाइप्स कर रहे हो, इफ वी टॉक अबाउट ऑडिटिंग, बट इट्स डिफरेंट हेयर। एंड यू टेंड टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ आउट ऑफ यूर कम्फर्ट जोन, आउट ऑफ योर बाउंड्रीज, कीप लर्निंग मोर एंड मोर, एंड दिस वॉट आई लाइक अबाउट दिस दिस प्लेस। पॉइंट नंबर एट, विच इज बेसिकली समझ गए होगे, पैसा मुनासिब पैसा है बुरा नहीं है। अगर आप ग्रॉस बेस पे देखें, बेसिकली बिफोर टैक्स, जो पर मंथ आई थिंक 1 मिलियन के आसपास पहुंच सकता है ग्रॉस बेसिस पे। ऑफकोर्स टैक्सेशन काफ़ी हाई है यहाँ पे, एवरेज 30-35%, 40%, ऑफकोर्स डिपेंड्स ऑन सैलरी, बट लग जाता है। एक नॉट अ बैड अमाउंट, बट ऑफकोर्स जो एक्सपेंसेस है लंदन के वो बहुत हाई है यहाँ पे यूके के, तो आपकी सैलरी और ये वो। इन एनी केस, दो बातें हैं। नंबर वन जो है कि भाई आपकी सैलरीज जो हैं यहाँ पे वो यूए से कम है काफ़ी, बट यूए के कुछ अलग ही मसले हैं थोड़े से, तो उस पर बात नहीं कर रहा अभी मैं। नंबर वन ये हो गया। दूसरा ये कि चलो आपके खर्चे ज़्यादा हैं, बट स्टिल यू कैन सेव गुड अमाउंट, लाइक ओके नॉट टू मच, बट एन एवरेज अमाउंट। अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करो, यार आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे पाउंड्स को, तो चलो एक रीजनेबल सेविंग हो जाती है एज अगेंस्ट पाकिस्तान, जहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं होगी। इफ यू आर वर्किंग कराची, 1.5-1.5 लाख, 2 लाख कमा रहे होगे, वहाँ के खर्चा इतना है। तो दैट्स अ पॉइंट। मुनासिब सैलरी है, बट कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स आर रीजनेबल। पॉइंट नंबर नाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेवलपमेंट एज अ पर्सन, वर्क विथ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। दुनिया भर के लोगों से आप काम करते हो, साथ में बात करते हो, यू लीड द टीम्स, यू वर्क विद दैम, इट्स कंप्लीट न्यू फीलिंग। आपको उनके बारे में पता चलता है कि हाउ दे लिव, हाउ दे सी द वर्ल्ड फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव, दुनिया का क्या है, कल्चर्स क्या है, एंड इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग। यू गेट टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट वर्ल्ड, यू गेट टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट पीपल, एंड दैट्स वॉट सक्सेस इन द वाइडर लाइफ। तो काफ़ी अमेजिंग फीलिंग है। यूएई में भी आपको इस तरह की फीलिंग मिल जाती है थोड़ी कुछ हद तक। वहाँ पे यूरोपियंस कम होते हैं, वहाँ पे अदर नेशनलिटीज होती हैं, बट स्टिल वन ऑफ द गुड पॉइंट्स आउट देयर। नंबर टेन, बींग फॉर फूड लवर्स, हर किस्म का खाना मिलता है यहाँ पे, कुछ भी हो, किसी भी क्विजिन का हो, कहीं से भी हो, यू विल गेट एवरी थिंग हेयर, स्पेशली लंडन। यहाँ पे सब कुछ होता है, देसी भी सब कुछ है, यहाँ का लोकल भी है, एंड देन डिफरेंट मैक्सिकन, आयरिश, चाइनीज़, जस्ट नेम इट, हर चीज़ मिलती है आपको यहाँ पे। जो फूड लवर हैं भाई, वो उसके लिए तो भाई चांदी चांदी है। ऑफकोर्स लंडन इज एक्सपेंसिव, दैट्स अ सेपरेट केस, बट देयर्स अ लॉट ऑफ फूड ऑप्शंस टू ट्राई, टू नो दुनिया में लोग क्या खाते हैं। पॉइंट नंबर 11 इज समथिंग आई रियली 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 लाइक, इट्स बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन। एक मैं यूके की बात करूंगा, फिर मैं लंदन की बात करूंगा। अच्छा, यूके इटसेल्फ इज वेल कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। बेसिकली प्लेन्स की बात ही नहीं कर रहा मैं, एयर साइड छोड़ो, अभी जमीन की बात करते हैं। आपकी ट्रेन सिस्टम इज बेसिकली थ्रू आउट द यूके, हर जगह जाती हैं ट्रेन आपकी, एंड दे आर रियली गुड ट्रेन्स। बसेस के कनेक्शंस भी हैं अगर बसों में जाना चाहता है कोई। एंड देन लंदन की बात करें, तो लंदन में दुनिया का वन ऑफ दी कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड नेटवर्क है जो ट्रेन का। इफ़ यू सी द मैप ऑफ लंदन अंडरग्राउंड ट्रेन, तो यू विल बी गेट कन्फ्यूज, मैं भी कन्फ्यूज रहता हूँ, अभी तक 2.5 साल हो गए हैं। तो इट्स अ ब्लेसिंग हेयर। पाकिस्तान में अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इस तरह की होती तो पीपल वुड बी वेरी 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 लकी, बट नहीं है फिलहाल। तो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर आई लाइक, ट्रांसपोर्टेशन इज सो ईजी, द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट नॉट द लीस्ट, विच इज़ प्रॉब्ली समथिंग एवरीबडी कंसिडर्स मूविंग अब्रॉड, इज डू वी गेट दी परमानेंट रेजिडेंसी और पासपोर्ट। सो येस वी डू। 5 साल में यू कैन अप्लाई फॉर ILR, विच इज बेसिक द रेजिडेंसी, एंड देन आफ्टर 6 months, 1 year, यू कैन अप्लाई फॉर पासपोर्ट एज वेल। सो दिस इज अनदर मोटिवेशन टू वर्क हेयर एज। दीज आर टॉप 12 पॉइंट्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट परस्पेक्टिव से, डिफरेंट ऑफिस के हवाले से, मैंने सबको बात नहीं किया अभी।
तो दीज आर द मेजर वंस इफ समबडी इज कंसिडरिंग के यूके आना है. तो आई थिंक दिस वुड बी रियली एनकरेजिंग के क्या क्या फायदे हैं यहाँ पे एंड वॉट यू कैन लव हेयर, आपको क्या बेनिफिट हैं यहाँ पे एंड वॉट टू एक्सपेक्ट. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.